हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इन पार्ट 4 वीडियो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व ए क्वेश्चन ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। नाउ स्टूडेंट, इन पार्ट 5 वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 ऑफ एनसीईआरटी बुक व्हिच इज रिलेटेड टू हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। एंड क्वेश्चन इज A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. इसमें हमें स्टूडेंट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ डिस्टेंस अगर वो आगे बढ़ रहा है तो कितना डिस्टेंस वो आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है, कब जब वो बिल्डिंग की ओर मूव कर रहा है, वही डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और इस क्वेश्चन में बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर गिवन है, मींस ये जो हाइट है ये 30 मीटर गिवन है। इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर बॉय जिसका हाइट 1.5 मीटर है वह खड़ा है। तो सपोज कर ले रहे हैं सीडी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द बॉय एंड हाइट इज 1.5 मीटर and this boy is situated at a distance of x meter from the building, इसे हम रेट करेंगे। फिर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, BB के पैरेलल C से एक लाइन ड्रा करेंगे। सपोज कर लिया जा रहा है ये यम पर जाकर के मिल रहा है, अगर यह CD 1.5 है तो यम भी 1.5 मीटर ही होगा, 1.5 मीटर ही होगा। अब कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ इलिवेशन मतलब इस बॉय का जिसका पोजीशन या कह सकते हैं सीडी बॉय की हाइट है, यहां से एंगल ऑफ इलिवेशन 30 डिग्री है। इसको हम ज्वाइन सी को ए से ज्वाइन कर दिया जाएगा और स्टूडेंट यह 30 डिग्री है। अब कहा जा रहा है बॉय कुछ डिस्टेंस आगे की ओर बढ़ा, मींस बिल्डिंग की ओर बढ़ा, तब जो एंगल ऑफ इलिवेशन है वह चेंज हो रहा है, मींस इंक्रीज हो रहा है। हम आप लोगों को बताए थे जब कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा हो या किसी बिल्डिंग की तरफ आ रहा हो या किसी कोन की तरफ आ रहा हो तो एंगल हमेशा इंक्रीज होगा और उससे दूर जाएगा तब एंगल डिक्रीज होगा, मींस डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो एंगल डिक्रीज होगा और डिस्टेंस जब घटेगा तो जो एंगल ऑफ इलिवेशन है वह इंक्रीज होगा। स्टूडेंट ये 30 डिग्री है। अब कहा जा रहा है कि कुछ डिस्टेंस मूव किया, सपोज कर ले रहे हैं टीएम, टीएम रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर आर बॉय हुज हाइट इज 1.5 मीटर बट पोजीशन इज चेंजेस, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है इसलिए हम इसे टीएम लिखे हैं। टीएम और सीडी दोनों से होगा क्योंकि ऑब्जर्वर की हाइट है। और सपोज कर ले रहे हैं डीएम की जो वैल्यू है यही हमें इवेल्युएट करना है, अपने सुविधा के लिए हम लोग यहां से सपोज कर सकते हैं डीएम की वैल्यू वाई मीटर। सपोज कर लिए कि ये वाई मीटर है, मींस वाई मीटर ये शिफ्ट किया और यहां से स्टूडेंट जो एंगल फॉर्म हो रहा मींस एंगल ऑफ इलिवेशन वह 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट अगर ये एक्स लिखे हैं और यह वाई लिखे हैं तो ऑब्वियस है ये वैल्यू जो होगा एन बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई मीटर, मींस हमें वाई की ही वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा फाइंड आउट करने के लिए फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग रिक्वायर्ड
डिस्टेंस इज इक्वल टू वाई मीटर, ये हम लोग लेट कर दिए हैं। हम इस पूरे कैलकुलेशन में लास्ट में हम लोग वाई की ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये एक्स माइनस वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई मीटर होगा। अब यह 1.5 मीटर है तो यह हो जाएगा 28.5 मीटर। फिगर में आप ध्यान से समझिएगा, AB की वैल्यू 30 मीटर है तो और AB की वैल्यू 1.5 मीटर है तो AM की वैल्यू हो जाएगा 28.5 मीटर। यहां पर AB बिल्डिंग के हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी हाइट 30 मीटर गिवन है और CD बॉय के हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और CD और PL इक्वल है और एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री था और जब बॉय बिल्डिंग की ओर मूव कर रहा है तब वो कितना हो जा रहा है 60 डिग्री, तब हमें DL मींस Y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। एक ट्रायंगल AMC यह एंगल भी 90 होगा स्टूडेंट, ये भी होगा, ये भी होगा और यह भी एंगल 90 होगा। AMC ट्रायंगल में अगर चला जाए इसमें tan 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू AM अपॉन CM, वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 3, वैल्यू ऑफ AM इज 28.5 मीटर अपॉन CM, वैल्यू ऑफ CM इक्वल टू वैल्यू ऑफ DB, therefore value of CM is x meter. This implies that x is equal to 28.5 root 3 meter. Let this is equation number first. Now in triangle AMT tan 60 degree this is equal to AM upon TM, value of tan 60 degree is root 3, this is equal to value of AM is 28.5 upon value of TM, value of TM is x minus y, this implies that root 3 equal to 28.5 upon x means 28.5 root 3 minus y. On cross multiplying we get root 3 का root 3 में multiply करेंगे तो यह जाएगा 3 means 28.5 multiplied by 3 minus root 3 y, this is equal to 28.5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 1, माइनस रूट 3 वाई इक्वल टू 28.5। यहां से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं रूट 3 वाई इज इक्वल टू 85.5 माइनस 28.5, this implies that root 3 y is equal to 0.057. This implies that root 3 y equal to 57. This implies that y equal to 57 upon root 3. On resizing, we get 57 multiplied by root 3 upon root 3 multiplied by root 3. This is equal to 57 root 3 upon 3, 19. This implies that y equal to 19 root 3. This implies that required distance is equal to 19 root 3
मीटर, दिस इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस, मींस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डीएल. नाउ डियर स्टूडेंट, सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम ऐप. थैंक्स.